प्रदेश में अगले 10 दिनों तक मौसम साफ बना रहने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को प्रदेश के कुछ एक जिलों में खासकर चंबा, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 10 दिनों तक मौसम खराब होने की संभावना नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान की बात की जाए तो प्रदेश के अधिकतम स्थानों पर 24 से 29 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर हम मौसम की बात करें या बारिश के मुख्य रूप से बर्फबारी की बात करें तो लगभग 12 नवंबर के आसपास हिमाचल प्रदेश कुछ एक जिले, खास करके चंबा जिला, कांगड़ा और लाहौल और स्पीति के कुछ एक स्थानों पर हमें बर्फबारी और बारिश हल्के स्तर की देखने को मिलेगी। बाकी सारे जिले में मुख्यतः मौसम ड्राई रहने वाला है और लगभग अगले 10 दिनों तक कोई भी खास वेदर, सिग्निफिकेंट वेदर होने की संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तापमान की अगर हम बात करें सर, कितना सामान्य से अधिक चल रहा है, क्या कोई जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो भी ब्रेक हुए हैं? अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान की, मैक्सिमम टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के काफ़ी स्थानों पर ये जो तापमान है वो लगभग हमारा 24 से लेकर के 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखे गए हैं पिछले कुछ दिनों में, और जो कि लगभग नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ एक स्थानों पर ज़्यादा भी तापमान हमें दर्ज किए गए हैं। वहीं पे अगर हम मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर्स के ये जो तापमान है ये लगभग जो है हमारा 7 से लेकर के 11 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकांश स्थानों पे दर्ज किए गए हैं, जो कि नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा सोलन जिला है वहाँ पे कल अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, जो कि ऑल टाइम हाई टेम्परेचर है नवंबर के मंथ में। उसी तरीके से जो हमारा धर्मशाला है वहाँ पे 27.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा कल वहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि नॉर्मल से लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, और ये अपने आप में नवंबर के मंथ में ऑल टाइम हाई टेम्परेचर्स धर्मशाला में भी देखा गया है। उसके अलावा हमारा जो ऊना है वहाँ पे परसों यानी कि 2 नवंबर को ऑल टाइम हाई टेम्परेचर दर्ज किया गया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिलों में ऑल टाइम हाई टेम्परेचर्स भी यानी कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स भी हमें देखने को मिले हैं। सर, तो क्या ये ग्लोबल वार्मिंग है? क्यों ये जो नवंबर के मंथ में इतने हाई टेम्परेचर्स देखने को मिले? मुख्य रूप से पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर्स जो नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा देखे गए हैं, उसका मुख्य रीजन ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से हिमाचल प्रदेश में कहीं पे भी बारिश नहीं देखी गई है। मुख्यतः हमारा क्लियर स्काई कंडीशंस बनी हुई हैं और जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर्स में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल प्रदेश की तरफ आता हुआ नहीं देखा गया है। जब भी कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बारिश या बर्फबारी देखने को मिलती है और टेम्परेचर्स में एक गिरावट दर्ज की जाती है, जो कि पिछले कुछ दिनों में देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी हुई है हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर। डिस्टर्बेंस देखिए, हमेशा ही नॉर्मली जो है वो एक वेदर सिस्टम होता है जो कि पश्चिम से यूजुअली ईरान या इराक के आसपास उसका फॉर्मेशन होता है, और वो पूर्व की तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया के जो उत्तरी हिस्सा है यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन मुख्य रूप से ये डिपेंड करता है कि जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है उसका जो लैटिट्यूड है वो कहाँ तक, कितना डीप हमारा आ रहा है। मुख्य रूप से हमें बारिश तब देखने को मिलती है जब उसका लैटिट्यूड 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 26 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ तक वो पश्चिमी विक्षोभ आता है, जिससे उसमें अरबियन से एक अच्छा खासा मॉइस्चर सप्लाई होता है और इन सभी क्षेत्रों में हमें बारिश देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक जितने पश्चिमी विक्षोभ आए हैं उसमें से 1 या 2 ही ऐसे पश्चिमी विक्षोभ रहे हैं जो कि बहुत ही फीबल हैं, बाकी सारे के सारे अपने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल पोजिशन से काफ़ी नॉर्थ में यानी कि उत्तरी हिस्से से होकर के ही गुजर गए हैं, जिसकी वजह से हमें हिमाचल प्रदेश में कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो हम क्या कह सकते हैं, एलनीनो और लानीनो उसका इंपैक्ट ये कंटिन्यूस बना हुआ है? एलनीनो और लानीनो का डायरेक्टली कोई इंपैक्ट एज सच उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा। एज सच 1-to-1 कोई भी कोरिलेशन पश्चिमी विक्षोभ के साथ एक शॉर्टेड ड्यूरेशन के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, पश्चिमी विक्षोभ हमारे लगातार बनते रहते हैं, उसका एक फिक्स साइकिल होता है। लेकिन वही है कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में यानी कि हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से हैं या फिर जो हमारा लद्दाख का इलाका है वहीं से होकर के गुजर जा रहे हैं। वो दक्षिण में जैसे ही नीचे की तरफ आने चालू होंगे हमें वेदर एक्टिविटीज़ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, साथ ही टेम्परेचर्स में गिरावट भी देखने को मिलेगी।
मुख्य रूप से अगर हम टेम्परेचर्स की भी बात करें, जो ये बढ़े हुए टेम्परेचर चल रहे हैं, लगभग 7 नवंबर तक यानी कि अगले 3 दिनों तक ये टेम्परेचर्स में इसी रेंज में चलते रहेंगे। कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन 8 नवंबर के बाद से हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर्स में, मैक्सिमम टेम्परेचर्स में और मिनिमम टेम्परेचर्स में दोनों में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने के बाद भी ये टेम्परेचर्स अपने नॉर्मल या नॉर्मल से 102 डिग्री सेंटीग्रेड फिर भी ज्यादा ही बने रहने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।